हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। 20 प्रश्न इस वीडियो में, जो कि आपके टेट एग्ज़ाम, सी टेट एग्ज़ाम और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप BTC कर रहे हों या BTC कर चुके हों, DLED कर रहे हों, ठीक है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल विकास की सीरीज चल रही है, मतलब बाल विकास के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, पिछले वीडियो जरूर देखेगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, देखिए चैनल पर पहली बार आए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो। बाकी आप तो अगर पहले से जुड़े होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे। लिखा है, चार कदम चलकर ही थक जाता है और पहुंचना शीर्ष पर चाहता है। चार कदम चलकर ही थक जाता है और पहुंचना शीर्ष तक चाहता है। तुझे धूल में पैरों को मलना होगा, अगर पानी है सफलता तो चलना ही होगा। बिल्कुल, सफलता पानी है तो रोज जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी, रोज आपको पढ़ना ही होगा। इसी के साथ जो है अपना वीडियो शुरू करेंगे, देखेंगे पहला हमारा कौन सा प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न लिखा है आपका, किशोरावस्था की विशेषता निम्न में से नहीं है, समायोजन का अभाव, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम की प्रवृत्ति या समाज सेवा की भावना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, आत्म प्रेम की जो प्रवृत्ति होती है ये शैशवावस्था में पाई जाती है, बाकी समायोजन का अभाव, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति और समाज सेवा की भावना ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। और किशोरावस्था का जो समय होता है कितना होता है, 12 से 18 वर्ष का समय होता है। अगर बात करें शैशवावस्था का समय कितना होता है, जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। और शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, नैतिकता का भाव होता है इसमें, दूसरों पर निर्भरता होती है, ठीक है, अनुकरण करके व दोहराने की प्रवृत्ति जो है शैशवावस्था में पाई जाती है, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, इंद्रियों के माध्यम से जो है शैशवावस्था में बालक सीखता है, ठीक है, इस चीज़ को एकदम याद रखिए। और देखिए, किशोरावस्था की बहुत सारी आपकी विशेषताएं हैं, जैसे कौन कौन सी हैं, शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है, मानसिक विकास होता है, इसमें मानसिक विकास जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किशोरावस्था में होता है, और स्वतंत्रता व विद्रोह की अवस्था जो है किशोरावस्था कहलाती है, नायक की पूजा जो है किशोरावस्था में होती है, विषमलिंगी प्रेम आपका किशोरावस्था से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ऐसे मत जाइएगा, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा सब्र करेंगे तभी जो है आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। कहता ना, मोती पाने के लिए समुद्र में एक बार डुबकी लगाने से काम नहीं चलेगा, बहुत बार डुबकी लगानी पड़ेगी। तो इसी वजह से आपको सफल होने के लिए कुछ ना कुछ समय जो है एक्स्ट्रा देना होगा, तो एक्स्ट्रा समय यहाँ पर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, कॉल सैनी ने कहा है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, स्किनर ने कहा है, या मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कहा है मैकडूगल ने। तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही है आपका, मतलब एक विकल्प आपका सही है, बाकी मतलब एक विकल्प जो है आपका गलत है, बाकी तीन आपके सही हैं। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, ये स्किनर ने नहीं कहा, ये कहा है ब्राउन ने। किसने कहा है, ब्राउन ने कहा है। बाकी सारी परिभाषाओं को आप अच्छे से पढ़े होंगे, मैंने आपको बताया किशोर जो है प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, किसने कहा है, कार्ल सैनिंग ने कहा है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने कहा है, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये मैकडूगल ने कहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही होगा। देखिए, पहला जो पॉइंट लिखा है उसे कैसे याद रखेंगे, किशोर जो होते हैं
प्रौढ़ों को यानी बूढ़े व्यक्तियों को अपने मार्ग में क्या मानते हैं, काल सैनिक यानी यमराज का सैनिक मानते हैं, इस तरीके से रिलेट करके इसको याद रखेगा। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, इसको कैसे याद रखेंगे, बालकों ने 20वीं शताब्दी में 20 कौवे पकड़े, इस तरीके से रिलेट करिएगा। अगला, सामान्यतः बालक किस आयु में बोलना शुरू कर देता है, 2 साल, 3 माह, 6 माह या 11 माह। सामान्यतः बालक किस आयु में बोलना शुरू कर देता है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका डी, 11 महीने में जो है जो बालक होता है छोटा सा वो बोलना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में लिखा है मेल सही नहीं है, कौन सा मेल जो है सही नहीं है, ठीक है आपको बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है यानी गलत कौन सा है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व स्वयं में रहने वाला होता है, प्रक्षेपण अपनी गलती दूसरों पर डालना, या तीसरा ऑप्शन युक्तिकरण होता है अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, या चौथा प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल बताएं आप लोग, और सब्र रखें जो है, सब्र के साथ पढ़ते रहें इस वीडियो को, कुछ ना कुछ आपको एकदम स्पेशल ही मिलेगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही, युक्तिकरण जो होता है ये अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना नहीं होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो तर्क वितर्क करके जो है अपनी बात को सही सिद्ध करता है, ठीक है। बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं। अंतर्मुखी क्या होता है, इंट्रोवर्ट यानी जो अपने में रहता है। प्रक्षेपण होता है अपनी गलती दूसरों पर डालना। युक्तिकरण मैंने आपको बताया तर्क वितर्क करके अपनी बात को सही सिद्ध करना। प्रतिगमन होता है पुरानी आदतों में लौटना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, लिखा है विभिन्नता के आधार पर एलन पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति तैयार की कौन सी, डाल्टन विधि, विनेटका विधि, प्रोजेक्ट विधि या प्ले मेथड। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जितनी भी शिक्षण विधियां महत्वपूर्ण हैं इसी प्रश्न में समाप्त हो जाएंगी अभी आपकी, तो बताएं इसका क्या जवाब होगा। तो इसका जवाब क्या है, डाल्टन विधि होगा। क्या होगा, डाल्टन विधि होगा या विनेटका विधि होगा या प्रोजेक्ट विधि होगा या प्ले वे मेथड होगा, प्ले मेथड होगा, बताएं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल क्या होगा इसका जवाब। देखिए एलन पार्कहर्स्ट ने जो है कौन सी विधि दी थी, डाल्टन विधि दी थी, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था, आप सभी को पता होगा। प्ले मेथड जो है, प्ले मेथड के यानी खेल विधि के जनक कौन है, कुक महोदय हैं, तो इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। विनेटका विधि जो है कार्लटन वाशबर्न ने दिया हुआ। एक बार मैं आपको सारी विधियाँ बता देता हूँ जो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाई हैं। देखिए कौन कौन सी विधियाँ हैं, ओविड शिक्षण विधि प्रोफेसर टेक्रॉली की है, वोटिविया विधि जॉन कैनेडी की है, गैरी विधि जो है एडवर्ड की है, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है, खोज विधि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, खोज विधि किसकी है, आर्म इंगस्ट्राम की है, पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी की है, ठीक है। डाल्टन विधि हेलन पार्कहर्स्ट की है, खेल विधि आपकी हेनरी कार्डवेल कुक की है, मॉन्टेसरी विधि माया मॉन्टेसरी की है, किंडरगार्टन पद्धति जो है आपकी फ्रावेल की है, समाजमिति विधि एएल मोरेनो की है, बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी की है, प्रक्रिया विधि कम्युनिस्ट की है, ब्रेल लिपि आपका लुई ब्रेल की है, डेक्रॉली शिक्षण विधि डेक्रॉली की है, इकाई उपागम आपका एचसी मॉरिसन का है, प्रादेशिक विधि हर्बर्टसन का है, सूक्ष्म शिक्षण से जुड़े हुए रॉबर्ट बुश और समस्या समाधान विधि शुक्रा, ठीक है। वैज्ञानिक विधि गुडवार एवं स्केट्स, मूल्यांकन विधि जेएम राइस, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है, हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने दिया हुआ है, ठीक है। आगमन विधि और निगमन विधि से आपके अरस्तु जुड़े हुए हैं, संवाद विधि प्लेटो का है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि स्टीनर महोदय का है, साखी अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर का है, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन आपका किसका है, थॉमस एफ गिलबर्ट का है। आप लोग बोर हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतना प्रश्न जो है, एक प्रश्न जरा सा होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही बहुत सारी चीज़ें जब आप सुनते रहेंगे तो जो है आप क्या हो जाएंगे, आप जो है परफेक्ट हो जाएंगे, एग्जाम में जैसे ही प्रश्न आएगा फटाक से जवाब आएगा। अगला प्रश्न लिखा है अवधान और अभिरुचि, एक ही वस्तु को देखने के दो भिन्न तरीके हैं, अवधान और अभिरुचि एक ही वस्तु को देखने के दो भिन्न तरीके हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। यह कथन किसका है, गिलफोर्ड का रॉस का, वुडवर्थ का या कॉल सैनिक का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब आपको पता ही होगा, मुझे पता है
ये किसने कहा है? ये कहा है राश महोदय ने। किसने कहा है? राश ने कहा है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 1978, 1972, 1980 या 1976? बताएंगे आप लोग क्या जवाब होगा इसका। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है और आपको पता भी होगा। समवर्ती सूची में जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मतलब किस वर्ष जो है शामिल किया गया था, ये शामिल किया गया था 1976 में। और 1976 में आपका कौन सा संविधान संशोधन हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में इस पर जो है बात होगी। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका डी सही है। ये आपके लिए जो होमवर्क है, आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन होगा। अभी मैं लिखने वाला था कौन सा था, तो बताएंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है कथन जो है असत्य है निम्न में से। लिखा है यहाँ पे देखिए संवेग होगा, यहाँ पर लिखा है संवेग होगा। संवेग चेतना की अवस्था है, संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है, ये रॉस ने कहा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ ने कहा है। किसी आवेग के उत्पन्न होने, उत्तेजित हो जाने, भड़क जाने की अवस्था संवेग कहलाती है, जर्सिल ने कहा है। या संवेग क्रियाओं का उत्तेज है, रूसो ने कहा है। तो निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? देखिए ऐसे प्रश्न जो है आप बहुत ही कम पढ़ते होंगे और मैं ऐसे ही प्रश्न लाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बताए कौन सा इसमें जो है कथन आपका असत्य होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बिल्कुल। मोती पाने के लिए समुद्र में एक बार डुबकी लगाने से काम नहीं चलता है, बहुत ही बार डुबकियां लगानी पड़ती हैं। तो संवेग क्रियाओं का उत्तेज है ये किसने कहा है? रूसो ने नहीं कहा है, ये कहा है गेल्डार्ड ने। किसने कहा है? गेल्डार्ड ने कहा है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका डी सही है। बाकी संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ ने कहा है, बहुत ही बार मैंने आपको बताया हुआ है। संवेग चेतना की वह अवस्था जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है, ये रॉस ने कहा हुआ है। किसी आवेग के उत्पन्न होने, उत्तेजित हो जाने तथा भड़क जाने की अवस्था संवेग कहलाती है, जर्सिल ने कहा है। संवेग क्रियाओं का उत्तेज है, रूसो ने कहा है। अगला है, मिलान सही है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा मिलान है जो सही है? ठीक है, एस आकार का जो आपका वक्र होता है वो नतोदर वक्र होता है, डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था है, उत्तल वक्र सरल रेखीय वक्र होता है, एपिलेप्सी अंग विच्छेदन है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको पता ही होगा। इतना आसान प्रश्न जो है अभी तक मैंने नहीं देखा और अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे अधिगम के चैप्टर को तो बिल्कुल ये आसान है आपके लिए। ऐसा आकार का वक्र नतोदर वक्र होता है? नहीं, ये कौन सा होता है? ये होता है आपका मिश्रित वक्र। ठीक है, मिश्रित वक्र में जो है कभी सीखने की गति धीमी कभी तेज होती है और इसकी आकृति ऐसा आकार की होती है। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था है, बिल्कुल सही है। उत्तल वक्र सरल रेखीय वक्र होता है क्या? कौन सा मिलान सही है? आपका ऑप्शन बी हो गया। डिस्थीमिया जो है क्या गंभीर तनाव की अवस्था होती है, उत्तल वक्र जो है कौन सा होता है आपका सरल रेखीय वक्र होता है। नहीं, एपिलेप्सी अंग विच्छेदन है। क्या है? एपिलेप्सी अंग विच्छेदन है। किससे है ये जुड़ा हुआ बताएंगे आप लोग? एपिलेप्सी अंग विच्छेदन से जुड़ा हुआ है। नहीं, अंग विच्छेदन जो होता है ये एक्यूटेशन होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए जो आपके वक्र होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। ठीक है, सरल रेखीय वक्र को शून्य त्वरित वक्र भी कहा जाता है जिसमें सीखने की गति लगातार बढ़ती रहती है, और उन्नतोदर वक्र आपका ऋणात्मक वक्र और उत्तल वक्र कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में जिसे कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं, और इसमें प्रारंभ में सीखने की गति कैसी होती है? प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में मंद हो जाती है। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि ये फिगर दे दिया, आपको बताना है ये किस प्रकार का वक्र है, तो ये आपका होगा उन्नतोदर वक्र। कौन सा? उन्नतोदर वक्र, क्योंकि प्रारंभ में तो जो है सीखने की गति तीव्र, बाद में जो है धीमी हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और लास्ट में अगर धीमी हो जाती है तो ये आपका ऋणात्मक वक्र होगा, यानी लास्ट में हमको रिजल्ट जो है माइनस में प्राप्त हुआ तो इसी वजह से ये ऋणात्मक होगा। नतोदर वक्र की बात करें तो ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है वो आपका नतोदर वक्र होता है, ये आपका धनात्मक वक्र भी कहलाता है और अवतल वक्र भी ये कहलाता है।
मिश्रित वक्र पे, मिश्रित वक्र के बारे में मैंने आपको बताया है, ये उन्नतोदर वक्र और नतोदर वक्र का मिला जुला रूप होता है और इसकी आकृति यश आकार की होती है। अगला शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। देखिए 10 प्रश्न हो चुके हैं, थोड़ा सा सब्र रखें, अभी 10 प्रश्न वो भी हो जाएंगे और आप लोग लाइक कर दें वीडियो को अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो। लिखा शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है, कुत्ता विद्युत शॉक की मजबूरी को सीख लेता है, चूहा भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर दबाना सीख लेता है। यहाँ पर होगा चूहा भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर दबाना सीख लेता है, कुत्ता घंटी बजाने पर लार टपकाना सीख लेता है, कबूतर भोजन प्राप्ति हेतु कुंजी में से झांकना सीख लेता है। तो सीआर थ्योरी का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, सभी को पता होगा, ऑप्शन कौन सा, पहला या दूसरा या तीसरा? थर्ड ऑप्शन सही है, कुत्ता घंटी बजाने पर जो है लार टपकाना सीख लेता है। सीआर थ्योरी किसने दिया हुआ, पावलोव ने दिया हुआ है, यसआर थ्योरी थांडाइग ने दिया हुआ है, आरएस थ्योरी स्किनर ने दिया हुआ है, यसओआर थ्योरी वुडवर्थ ने दिया हुआ है। एस का मतलब स्टिमुलस, आर का मतलब रिस्पांस, ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सभी को पता है कि थांडाइग ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, कबूतर पर 1943 में, चूहे पर 1938 में किया था, ठीक है। सीआर थ्योरी पावलोव का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, ठीक है, और कुत्ते पर प्रयोग किया था, यशोआर थ्योरी वुडवर्थ की देन है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, लिबिडो की अवधारणा किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, कल ही मैंने आपको बताया था आपका जवाब आ जाना चाहिए, अब तक गुदा अवस्था, मुखावस्था, वक्तावस्था या लिंग प्रधान अवस्था, क्या होगा? लिबिडो की अवधारणा किस से जुड़ा हुआ है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको पता होगा, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, फ्रायड महोदय ने दिया था, किसने दिया था, फ्रायड महोदय ने दिया था, और इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में, ठीक है। तो आपको बताना है कि लिबिडो की अवधारणा जो है किस अवस्था से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जवाब आपका आ चुका होगा, लिबिडो की अवधारणा किससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अव्यक्ता अवस्था से जुड़ा हुआ है, लेटेंसी स्टेज से जुड़ा हुआ है। अव्यक्ता अवस्था आपकी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। देखिए 5 प्रकार की अवस्थाएं थी, मुखावस्था जिसे इंग्लिश में ओरल स्टेज कहते हैं, जो जन्म से 1.5 वर्ष की मानी गई थी, किसने माना था, अरे अपने फ्रायड ने माना था भाई, ठीक है, और गुदावस्था जो है वो आपकी 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था थी, जिसे एनल स्टेज कहते हैं इंग्लिश में, लिंग प्रधान अवस्था जिसे फैलिक स्टेज कहते हैं, जो कि आपकी 3 से 6 वर्ष की थी, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है लेटेंसी स्टेज यानी अव्यक्तावस्था, जो कि आपकी 6 से 12 वर्ष की अवस्था थी। जननेन्द्रिय अवस्था, जननेन्द्रिय अवस्था जो है आपकी 12 वर्ष से अधिक की अवस्था थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए नार्सिज्म की प्रवृत्ति, शैशवावस्था में जो बच्चा स्वयं से प्रेम करता है वही होता है नार्सिज्म की प्रवृत्ति। लिबिडो की अवधारणा क्या होती है, काम प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है, क्या होता है, काम प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है, यानी बिल्कुल काम प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है, और इसमें जो बालक होता है वो किस अवस्था में होता है भाई, 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है, और 6 से 12 वर्ष की अवस्था आपकी बाल्यावस्था होती है, ठीक है, और बाल्यावस्था में जो बालक जो उसकी काम प्रवृत्तियां होती हैं उनको नहीं बताता है, क्यों नहीं बताता है, क्योंकि उसको डर लगता है अगर मैं बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसी वजह से काम प्रवृत्ति की जो अवधारणा है ये लिबिडो से जुड़ा हुआ है और ये आपका अव्यक्ता अवस्था में पाया जाता है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न लिखा है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, बताएं आप लोग। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, इंद्रिय निर्गामक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। सभी को पता है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई थी, पियाजे महोदय ने बताई थी, पियाजे महोदय आपके कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, इन्होंने अपने बालकों पर ही प्रयोग किया था, ठीक है। इंद्रिय निर्गामक अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष का, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष का, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष का, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था का समय 11 वर्ष से अधिक का माना जाता है। देखिए मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आपका मूर्त संज्ञात्मक अवस्था से होता है, और अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, अमूर्त क्या होता है, जिसको हम देख नहीं पाते, हमारी भावनाएं हैं,
जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं, वही चीजें आपकी अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं। मूर्त संकल्पनाएं भी होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, आपके हाथ में पेन होगा, आप लिख रहे होंगे, अपनी कॉपी को छू रहे होंगे, तो यानी जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं वो आपका मूर्त संकल्पना है। और अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ है। अगला है बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण यानी CAT, चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट, लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। लिखा है बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण में 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया, 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में क्या है, सजीव वस्तुओं के स्थान पर जानवर, लोगों के स्थान पर जानवर, पुरुषों के स्थान पर महिला, वयस्क के स्थान पर बालक, क्या होगा आपका जवाब? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है इसका क्या जवाब होगा। आपको पता ही होगा, मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि क्या होता है। देखिए चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट मैंने आपको बताया, लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में दिया था, ठीक है। ये 3 से 10 या 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए होता है। इसमें टोटल कार्ड 10 होते हैं। और आपको पता होगा TAT थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है, ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है, और CAT को बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण कहते हैं। TAT जो है मार्गन और मुरे ने 1935 में दिया था। इसमें आपके टोटल 31 कार्ड थे, जिसमें क्या था, 10 पर महिला का चित्र, 10 पर पुरुष का चित्र, 10 पर आपका महिला पुरुष दोनों के चित्र, एक आपका खाली था। लेकिन इसका उल्टा लोगों के स्थान पर जो है जंगली जानवर का प्रयोग किया गया था। किसमें? बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण में। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी आपके ऑप्शन सारे गलत हैं। देख लीजिए सेकंड वाला, लोगों के स्थान पर जानवर, जानवर कैसे, वो भी जंगली, कौन से, विदेशी जंगली जानवर। अगला, दीवार स्वप्न की समस्या से ग्रसित बालक होता है बहिर्मुखी बालक, अपराधी बालक, रचनात्मक बालक या प्रतिभाशाली बालक। दीवार स्वप्न की समस्या से ग्रसित निम्न में से होगा आपका कौन सा? बिल्कुल बताएंगे आप लोग कौन सा, अपराधी बालक। जो अपराधी बालक होता है ना, वो दिन भर कुछ ना कुछ सोचा करता है कि मैं अपने क्लास में जाऊंगा और कल मैंने जो है अपने दोस्त के बैग में बड़ी अच्छी पेंसिल देखी थी तो उसे चुरा लूँगा, ठीक है। किसी के घर में कुछ अच्छा खिलौना देखा तो दीवार स्वप्न में रहता है कि वो मुझे खिलौना मिल जाएगा तो मैं उसके साथ खेलूँगा। तो दीवार स्वप्न की समस्या जो है अपराधी बालक के साथ जुड़ी हुई होती है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, और गणित का प्रश्न समझिए या कुछ भी समझिए, IQ पर आधारित है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है बताएं, निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही है? फार्मूला एक लगेगा, वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी पता हो जाएगा। बिल्कुल बताएं फटाफट, जो है वीडियो को पॉज कर लें अगर जो है आप इसको थोड़ा सा टाइम लेकर के करना चाहते हैं। देखिए IQ बराबर क्या होता है, IQ बराबर MA/CA इंटू 100। IQ बुद्धिलब्धि, MA मानसिक आयु और CA वास्तविक आयु, ठीक है। और 100 तो आपको पता है, MA मतलब मेंटल एज और CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट। अब इसको हल करते हैं, कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। MA 10, CA 20 गुणे 100, 20 × 50 हो ही नहीं सकता। MA/CA देखिए 12/25 × 100, 25 × 100, 12×48 ये भी नहीं। और आपका तीसरा वाला है, देखिए तीसरा वाला बिल्कुल, देखिए तीसरा वाला ही है आपका, क्या हो जाएगा, MA/CA × 100 यानी 120। और चौथा वाला है ही नहीं। जब तीसरा वाला आ चुका है, तीसरा वाला विकल्प आपका सही है, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। सूत्र याद कर लीजिए, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था किसने कहा है, वुडवर्थ ने, रॉस ने, कार्ल सैनिक ने या फ्रायड ने। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था किसने कहा है बताएं आप लोग, काफी बार इस पर चर्चा हुई है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक अवस्था कार्ल सैनिक ने कहा है, किसने कहा है, कार्ल सैनिक ने कहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था का समय कितना होता है, सामान्यतया 6 से 12 वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सही होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, मानसिक परीक्षण शब्द सर्वप्रथम कैटल ने प्रयोग किया था,
बुद्धि शब्द सर्वप्रथम स्टर्न ने किया था, मानसिक आयु शब्द सर्वप्रथम टर्मन ने किया था। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। देखिए, मानसिक परीक्षण शब्द सर्वप्रथम कैटल ने दिया था, बी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी आर्मी बीटा जो है ये अनपढ़ लोगों के लिए होता है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने किया था, किसने किया था? गाल्टन ने किया था। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड ने किया था, ना कि टर्मन ने किया था। आर्मी बीटा पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं होता है, अनपढ़ लोगों के लिए होता है, और आर्मी अल्फा जो होता है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। अगला है, दुख संवेग से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति है काम, शरणागति, जिज्ञासा या आत्मगौरव। 20 प्रश्न है, ठीक है, और जितने भी सही करिए आप 20 में से, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। बताएं आप लोग, दुख संवेग से जुड़ा हुआ आपका मूल प्रवृत्ति निम्न में से क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है और एग्जाम में ये काफी बार पूछा भी जाता है। जब हमें दुख दुख होता है तो हम कहाँ जाते हैं? शरणागति ले लेते हैं किसी ना किसी की। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। उन्होंने 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। अगला है, व्यक्ति व्यक्तित्व जो है सभी व्यक्ति सॉरी लिखा है व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, यह कथन किसका है? रॉस का, गिलफोर्ड का, मैकडूगल का या ब्राउन का? व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है, ये कहा है किसने? गिलफोर्ड महोदय ने कहा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है हमारे वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो मोती पाएंगे वो लास्ट तक देखेंगे, और नहीं पाना चाहते हैं तो वो पहले ही चले गए होंगे। तो आपको मोती पाना है, और मोती पाने के लिए आपको थोड़ा सा समय और डुबकियां बार बार समुद्र में लगानी पड़ेंगी, परिश्रम के समुद्र में आपको बार बार आना पड़ेगा। प्रणोद का सिद्धांत CL हल ने दिया हुआ है, आपका ऑप्शन 3rd सही होगा। इसी हिसाब से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।